आज बरियो में आयोजित हुआ आयुष मेला सिविल सर्जन ने माना गलत जगह का हुआ है चुनाव। आज परियो एवं बलियापुर में आयुष मेला का आयोजन हुआ, जहां धनबाद सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने माना कि बरियो में जहां इसका उद्घाटन हुआ वह जगह सही नहीं था। यदि दूसरे जगह यह मेला का आयोजन होता तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाते। यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे अलग अलग जगह से लोग यहां नहीं पहुंच सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, धनबाद के अलग अलग जगह से लोग यहां आकर अपना इलाज करा सकते हैं। ऐसे में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है तो लोग यहां पहुंचेंगे कैसे? आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर उन्होंने क्या कुछ कहा। आज का कार्यक्रम है हमारा, जो हमारा पुराना सिस्टम सब ट्रीटमेंट का है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। आज हर बीमारी का इलाज एलोपैथिक के पास है या एलोपैथिक करता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज एलोपैथिक के पास भी नहीं है, नहीं कर पाता है, लेकिन उसमें चूंकि रिसर्च इतना हुआ है कि उसकी ऑथेंटिटी और उसकी साइंटिफिक बेसिस के कारण उसका एक्सेप्टेंस समाज में ज्यादा। लेकिन हमारे पैथ जो है वो भी एक पुराना पैथ है हमारा, बहुत सारा यूनानी है जो कि यूनान से हम लोगों ने हायर किया है, और फिर हमारा आयुर्वेद है जो हिंदुस्तान की ही पद्धति है, फिर होम्योपैथ है, फिर उसके अलावा नेचुरोपैथ है। ये सारी पद्धतियां जो है इससे किस बीमारी में क्या लाभ होता है इसका कोई रिसर्च रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। अगर हम कंपेरेटिव ऐसा कर सके जैसा कि अभी सरकार के द्वारा आयुष के चिकित्सकों का पदस्थापन हर ब्लॉक में किया गया है, अगर ये चिकित्सक इस तरह का, जैसे कि मान लीजिए एलोपैथी में बहुत दिनों से दर्द की दवा खा करके लोग गठिया का इलाज करा रहा है, लेकिन उसको अभी भी दवा खाना पड़ता है और दर्द की दवा खाने के कारण दूसरी बीमारियां उसके शरीर में पैदा हो जाती है, जैसे उनका किडनी प्रभावित हो जाता है, आंत प्रभावित हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। बावजूद इसके वो ठीक नहीं हो पाता, दर्द से उसका निवारण होता है, लेकिन हमारे दूसरे जो पैथ है, आयुष के जो दूसरे पैथ है, उसमें भी इस बीमारी का इलाज है। तो अगर कुछ मरीजों को सेग्रीगेट करके उस इलाज से में अगर हम उनको रखते हैं तो उनका क्या रिजल्ट आता है, अगर इसका एक कंपेरेटिव चार्ट हम बना पाए तो हमारे पास इस बात की प्रमाणिकता होगी कि हम इस बीमारी का इस पैथ से लाभ उसको दे सकते हैं। उसमें हमारा खर्च भी कमेगा और लोगों को लाभ भी होगा। तो इस पैथ में, इस पैथ को, इस कैंप को लगाने का यही एक उद्देश्य है कि जनता इन सारे पैथों के बारे में जाने कि इस तरह के चिकित्सा पद्धति हमारे पास है और उसमें दवाएं भी उपलब्ध है, कुछ दवा अभी मिलेगा, और अगर कुछ मान लीजिए जैसे आपके ब्लॉक में अवेलेबल रहेगा तो आप वहां से जाके प्रोक्योर कर सकते हैं और कुछ दिन तक इस इलाज में रहें ताकि आपको इसके लाभ और हानि का पता चले और कल को आप कल इसे स्वीकार कर सके। ठीक है, एक समस्या रही है सर जगह को लेकर, क्योंकि ये जो प्रचार प्रसार किया गया, हम लोग उस समय भी थे, गाड़ी में थे, जहाँ आप हैं यहाँ आने जाने का सुविधा सर सुलभ नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना जो होना चाहिए वो है नहीं, तो जन जन तक पहुँचे, अगली बार सुलभ जगह पर हो। हमारे पास जन जन तक पहुँचाने का उपाय हमारी सहिया बहने हैं जो हर गांव से है, हर ग्राम से है ना, उनको भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि इसका मैसेज सभी जगह पे जाए, और हमारी NM है उनका भी सहयोग हम लोग लेंगे और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इसका प्रचार प्रसार जो है वो व्यापक रूप से हो, सभी को पता चले। और हमको इस समय चूंकि पर्याप्त समय नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, इस कंस्ट्रेंट को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, अगली बार हमारा प्रयास होगा कि इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज होंगे तो इसकी जानकारी सभी लोगों को भी रहेगी और जो भीड़ हमारे पास एकत्रित होगा उसके प्रबंधन का भी मैं व्यवस्था करूंगा। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर, एक कंफ्यूजन है कि यहाँ सिर्फ गोविंदपुर प्रखंड में लगा है क्योंकि प्रखंड आयुष मेला है, क्या यहीं के लोग सिर्फ इलाज करा सकते हैं या बाहर के भी आ सकते हैं? बाहर के भी आ सकते हैं, इसमें जो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं वो आके इलाज करा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत है? कोई डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है।